हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलेरी और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण की व्यवस्था कितने स्तर पर की है? तो दोस्तों, जो दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण व्यवस्था है वो द्विस्तरीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश का प्रथम राज्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पटवार। तो दोस्तों, वो राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिद्धि सिद्धि योजना शुरू की गई या शुरू हुई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, रिद्धि सिद्धि जो योजना थी वो 2009-10 में शुरू हुई थी। यह महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई गई एक योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता क्षेत्र में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा किसके अधीन शुरू की गई? तो दोस्तों, ये शुरू की गई थी राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के अधीन शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधित अधिनियम 2016 लागू किया गया। तो दोस्तों, ये लागू किया गया था 4 अक्टूबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का प्रधान कार्यालय है? तो दोस्तों, डेयरी फेडरेशन का जो प्रधान कार्यालय है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, वो सभ्यता है कालीबंगा। किस नाम से जाना जाता है इसको? सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन देश के पुरातत्वविद हन्नारिड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? तो रंगमहल सभ्यता का उत्खनन हुआ था, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ और जयपुर में लिया जाने वाला सीमा शुल्क चुंगी कर और आयात निर्यात कर किस नाम से जाना जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियासती राजस्थान में लाटा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जैसे हम भी बोलते हैं ना मारवाड़ी में फसल लाटली के, तो ये खलियान के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेखावाटी किसान आंदोलन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको जकात आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और शेखावाटी में किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसका ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम राष्ट्रीय पीठ जैन वर्धमान विद्यालय की जयपुर में स्थापना करने वाले थे? तो दोस्तों, जयपुर में इसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, ये धौलपुर में जोहरीलाल इंदु और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ये राजस्थान सेवा संघ को दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाखरी सम्मेलन करवाड़ा ग्राम में 1946 में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में किस संघ ने राजनीतिक सुधार से संबंधित 18 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों, ये रूपरेखा डूंगरपुर सेवा संघ ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1793 ईस्वी में रचित तारिक ए राजस्थान के रचयिता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वो थे कालीराम कायस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर जिम्मेदार मिनिस्टर ऑफ कृषि छोड़ो
आंदोलन अलवर में कब और किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो दोस्तों ये 9 अगस्त 1946 को सोवाराम कुमावत के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 1927 के बाद विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व ग्वालियर के किस स्थान से शुरू किया गया? तो ये दोस्तों फुरसारिया स्थान से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया? तो दोस्तों वो था मारवाड़ लोक परिषद, 1938 में गठित किया गया था 16 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता थे? तो वो थे जय नारायण व्यास। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए।